अगर हम गौर से देखें तो किसी भी खाने की जान या डिश की जान उसकी चटनी होती है। अगर कबाब है और उसमें मिर्च चटनी नहीं है तो खाने में मसाला नहीं आता। अगर फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं और कोई केचप नहीं है तब भी मज़ा नहीं आएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ भुने हुए टमाटर की चटनी। बहुत आसान है ये, बहुत फंटास्टिक बनती है। कहीं हम ये तो नहीं समझे जैसे इसको हम कढ़ाई की तरह भुनेंगे, नहीं। जैसे हम बैगन में बनाते हैं ना, बैगन के भरता बनाते वक्त बैगन को भूनते हैं, बहुत स्मोकी फ्लेवर देते हैं बैगन को, वैसे इसको चटनी में बनाना है। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं और 1 लहसुन का चौ लिए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो आप ज़्यादा ही कम कर सकते हैं अपनी मिर्चों के टेस्ट के हिसाब से। हम लोग इसमें जर्मन मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग चटपटा खाते हैं तो मैंने इसमें छोटी मिर्च इस्तेमाल की है। हम टमाटर के अंदर ऑयल को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि जो टमाटर भुने में आसानी हो हमारे लिए। मैंने ये भी छन्नी ली है। अगर आपको इसकी और छन्नी जो आप आसानी तरीके से चूल्हे पर रख सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। पहले हम तमाम सब्जियों को चूल्हे पर रख के लो फ्लेम पे भूनेंगे, जैसे कि हम बैगन को भूनते हैं बैगन के भरते बनाते वक्त। देखिए अच्छे से भून ली गई है, अब मैं इसमें इसको इसमें निकाल लूँगी अच्छे से ठंडे होने के लिए। तब तक ये सब्जियाँ ठंडी हो रही है, मैं 1 चम्मच जीरा लेके इसको कूट लेती हूँ। जीरे को मोटा मोटा कूटना है। अब इस ठंडी हो चुकी है टमाटर और सब्जियाँ, तब मैं इसे छिलके उतार लूँगी टमाटर के। मैं इसको बड़े बाउल में निकाल रही हूँ। वैसे इसका असल तरीका तो सिलबट्टे बनाने का है, लेकिन आजकल के घरों में सिलबट्टा होता नहीं है, आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। सबसे पहले जो हमने जीरा निकाल कूटा था वो हम इसमें डाल देंगे, ये डाल देंगे। हम 1 स्पून काला नमक डाल देंगे। मैं थोड़ा सा सैट्रिक एसिड ले रही हूँ, अगर आप नींबू चलाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, वो अच्छा है, फ्रेश है। 1/2 स्पून सैट्रिक एसिड डाल देंगे। मैं 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ले रही हूँ यानी मस्टर्ड ऑयल, इसके अच्छे टेक्सचर के लिए। बहुत मज़ेदार, बहुत फंटास्टिक बनी है, हम इसको सर्व करते हैं। आपकी आज की रेसिपी आपको यकीन ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी बनी आपकी रेसिपी। अपने आइडिया ज़रूर शेयर कीजिए आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।